गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज राणा एंड आई लिव इन ऋषिकेश। सो आज है 6th of September और मॉनसून अप्रॉक्स इज अबाउट टू एंड। और ऋषिकेश में, इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट ऋषिकेश, आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर चुका हूँ ऋषिकेश की, विच आर दी बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन ऋषिकेश। इफ़ यू हैव सम 3 to 4 days टू विजिट हिमालयाज, सो ऋषिकेश में सबसे पहले आप आते हैं तो यू कैन कम टू बीटल्स आश्रम विच इज़ नियर टू जानकी झूला। उसके बाद आप राम झूला आइए, परमार्थ निकेतन की गंगा आरती जो 6 to 7 होती है वो अटेंड करिए, बहुत ही बढ़िया गंगा आरती होती है। त्रिवेणी घाट में गंगा आरती होती है, वो भी 6 to 7 एवरी इवनिंग वहाँ पे होती है, आप लोग वहाँ पे भी जाइए, बहुत ही शानदार आरती होती है। इसके अलावा नीलकंठ महादेव का टेम्पल जो कि ऋषिकेश के 30 किलोमीटर आगे है, वहाँ आप जा सकते हैं। रिसेंटली आई वेंट देयर बाई ट्रैक, इट्स अ लाइक गॉर्जियस टेम्पल, लॉर्ड शिवा की जो वाइब है बहुत ही अलग है उस टेम्पल में। और ये जो जगह है जहाँ पे मैं अभी हूँ, दिस इज़ अ मस्ट विजिटिंग प्लेस इन ऋषिकेश, विच इज़ नोन एट सत्य साई घाट। और यहाँ से आपको लक्ष्मण झूला दिखेगा, मेरे पीछे आपको 13 मंजिला त्र्यंबकेश्वर टेम्पल दिखेगा, और सामने नीलकंठ वाली रोड दिखती है। और जब आप यहाँ पे राफ्टिंग स्टार्ट होती है सितंबर एंड में या अक्टूबर में, तो यहाँ का जो वाटर है बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, बिकॉज दिस वाटर इज़ कमिंग फ्रॉम गंगोत्री, फ्रॉम अलकापुरी, जो अलकनंदा का और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग से, वहाँ से गंगा जो क्रिस्टल क्लियर आती है, बिल्कुल आपको ग्रीन दिखेगी, वैसी गंगा दिखती है। आजकल थोड़ा सा पानी थोड़ा सा मटमैला है बिकॉज ऑफ दी रिसेंट फ्लड्स, रिसेंट रेन्स इन द हिमालयाज। तो अभी लक्ष्मण झूला बंद है बिकॉज द ग्लास ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, तो कुछ टाइम लग सकता है। उसके अलावा ऋषिकेश के जो भी अच्छे कैफेज हैं, फ्रीडम कैफे, बीटल्स कैफे, लिटिल बुद्धा कैफे, गंगा व्यू कैफे और चाट सन कैफे, ये सारे तपोवन में हैं। तपोवन इज़ द मोस्ट कमर्शलाइज प्लेस ऑफ ऋषिकेश, यहाँ पे सारे होटल्स आपको मिलेंगे, कैफेज मिलेंगे। इसके अलावा आप लोग वशिष्ठ केव जा सकते हैं जो बद्रीनाथ रोड पे है, नीर वाटरफॉल आप लोग जा सकते हैं, नीम बीच जो मेरे पीछे दिख रहा है जो राफ्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ आप जा सकते हैं। तो आप लोग सितंबर अक्टूबर में ऋषिकेश प्लान करिए, बहुत ही अच्छा वेदर आने वाला है। चार धाम की यात्रा अप्रॉक्स 2-2.5 महीने की बची है, दीपावली में केदार का धाम बंद हो जाता है, तो आप लोग चार धाम यात्रा करिए, वैली ऑफ फ्लावर्स आइए, हेमकुंड साहिब करिए, गंगोत्री नेशनल पार्क करिए, केदारताल, केदारकांटा, हर की दिन सारे ट्रैक्स ओपन हो रहे हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रैवल ऋषिकेश एंड हिमालयाज। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होटल्स में, एकोमोडेशन में, कैब्स में, आपका टूर प्लान करने में, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। हम लोग पूरा टूर प्लान करते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और अभी आप देख सकते हो एक सिनेमेटिक शॉट सत्य साई घाट लक्ष्मण झूला का। थैंक यू। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट ऋषिकेश एंड यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट कैफे इन ऋषिकेश, सो राइट नाउ आई एम हियर एट द तत्सत कैफे विच इज़ नियर टू लक्ष्मण झूला, एंड बीटल्स कैफे इज ऑल्सो देयर ऑन दिस साइड ऑफ द गैलरी। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस एंटायर कैफे लुक्स। सो हियर वी हैव ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, आला कार्ट मेन्यूज, लाइक वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, वी हैव बेवरेजेस ऑल्सो। सो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू कम टू ऋषिकेश, जब भी आप लोग ऋषिकेश आ रहे हो, तो यू कैन कम टू तत्सत कैफे, बीटल्स कैफे, फ्रीडम कैफे इज ऑन दैट साइड ऑफ द गैलरीज, लिटिल बुद्धा कैफे इज देयर, सो आई शो यू द इंटीरियर ऑफ दिस कैफे। Of Tatsat Cafe. This is a gorgeous, like, beautiful cafe you can see.